गेंद तो लाइन की तरफ से बाहर जाते हुए जा रहा है गोलकीपर। मौका है तो बनाए लोग वहां पर की टीम पूरी तरीके से हावी हो गई है पहले हाफ में, लेकिन अब कोस्ट गार्ड की टीम वापस करने वाली टीम है। की टीम अपने पास ज्यादा गेंदे एक रख रहे हैं। लगातार हमले की तैयारी है। सत्या का ये शॉट आया और गोल आता हुआ है और
लेकर निकलते हुए लेफ्ट आउट अगेन, लेकिन वहां पर नब्बे कद काटी वाले स्पीकर मौजूद है, तो अब्राहम को आराम दिया जा रहा है। यहाँ उतरेंगे तो कप्तान की भाग दौड़ सुन रहे हैं। कोस्ट गार्ड की टीम अपना यह पहला ही मुकाबला खेल रहे हैं, तो मैच देख के बच्चे हैं कोस्ट गार्ड की। फ्री किक शेयर कर रहे हैं, एक शून्य से आगे फ्री किक। पहले होनी चाहिए कि गेम को रिसीव करना बेहद जरूरी। बाहर की तरफ चली गई, थ्रो इन अजीत करेगी टीम 11 बदल की। अच्छा थ्रो इन शेखर का और गेंद लेकर निकलते हुए सत्या, शॉट किया सत्या ने। और एक टीम 11 मदर काफी लंबे समय से एक साथ खेलते आ रहे हैं, जिनके जो सदस्य 16 सदस्य टीम जो है उनको पता है कि कौन सा खिलाड़ी किस पोजीशन में खेलते हैं। अमृत के लिए पूरे टीम शेखर इवेंट को पूरी तरीके से मजबूती प्रदान किए हुए हैं। शॉट आता हुआ आउट, यहाँ पर अगर पहला आप यहाँ पर समाप्त होता हुआ पहले आपकी समाप्ति के बाद रही है, पहले आप में दूसरी आपकी बारी है, तो देखना है कि दूसरी आप में क्या कोस्ट गार्ड की टीम कमबैक करेंगे। इस मुकाबले में बेहद जरूरी है तो सेंटर होता हुआ खिलाड़ी अंदर की तरफ आए हैं और पिटेल के बाद माइनस में आप गेंद खिलाते हुए के गोलकीपर को, गोलकीपर है रोहन, बढ़िया थ्रू बॉल खिलाते हुए पासर सिंह की, पासर की जो एक्यूरेसी है बहुत बढ़िया नजर आ रही है। दिशा में सुरेश है जिसके नंबर 8 में, अब गेंद आउटलाइन के करीब है, फॉरवर्ड लाइन में खिलाते हुए और गोलकीपर एस के सिंह है। मौके बनाने होंगे गार्ड की टीम को, क्योंकि शून्य के मुकाबले 9 गोल से पिछड़ है दूसरा ऑफ चल रहा है। फॉरवर्ड लाइन है उनको थोड़ी मेहनत करनी होगी। गेंद यहाँ पर मिडफील्ड दिशा में थ्रू बॉल खिलाया है लेफ्ट लाइन में और वहां पर इनके तेज तर्रार स्ट्राइकर मौजूद है। तो टीम में भीतर की तरफ संजय जूनियर जा रहे हैं और आराम दिया जा रहा है राम को, तो इनके ट्रम्प खिलाड़ी हैं, ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी हैं, तो इनको ज़्यादा खिला नहीं रहे, जानते हैं कि चोट स्टिल ना हो जाए। संजय जूनियर अभी उतरे हैं और गेंद
अगर आप स्पाइक पहन के खेलते तो शायद गिरते नहीं। मैक्सिमम खिलाड़ी गिर रहे हैं, फिसलन है और फील्ड में, तो इसलिए स्पाइक पहन कर ही फुटबॉल खेलनी चाहिए। और अगले बार अगली जो टूर्नामेंट जो होंगे उसमें कोई भी टीम कोई भी आयोजक आयोजन करते हैं कोई भी फुटबॉल टूर्नामेंट का, कुछ जिसके साथ निर्देश दे रहे चाहिए कि आपको स्पाइक पहन कर ही खेलना है, कंपल्सरी करना है, शू पहन कर ही खेलना है। बड़े इत्मीनान से खेल रहे हैं और गेंद वन टच गेम है इनका। संजय के पास अब गेंद है, संजय जूनियर सीधा गेंद सेंटर स्ट्राइकर के लिए, योगेंद्र के लिए गेंद आती हुई और वहां पर मिस आउट होता हुआ साइमन के पास मौका, और साइमन ने एक शॉट दिया और एक गेंद बाहर है। संजय जूनियर शॉट दिया की तरफ से बहुत मुश्किल में है। ओ आज एकदम बोल रहा है कि मेरे पास गेंद आ ही नहीं रहा है, क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह है कि जो डिफेंड लाइन है वो बहुत मजबूत है। 3-4-2 के फॉर्मेशन में खेलती हुई 11 ब्रदर्स, चलिए कोस्ट गार्ड एक गोल दागे जरूर, क्योंकि आप बहुत अच्छी टीम है, मेहनत कर रहे हैं आप। वन टच गेम खेले, जोशीली टीम है आपकी। माइनस में गेंद खिलाए राजीव को, अभी राइट आउट पोजीशन में गेंद है और वहां पर खिलाड़ी मौजूद है दिलीप, नंबर 5 में दिलीप, दूसरी तरफ वहां पर विक्रम भी मौजूद है। और एसकेएस सिंह काफी मेहनत करते हुए लेकिन इस बार मिस करते हुए, टीमोन में आसमानी बाज है। फल और जल दोनों में, वायु और जल दोनों में ये इनका टंका बजा है हमेशा से इंजन को। बड़े आसानी के साथ स्कोर किया नंबर 10 में, योगेंद्र बढ़िया रिसीव किया योगेंद्र ने, तो 3 शिकारी निकले हैं शिकार में, राइट आउट पोजीशन से। अब यहां पर यामा निकलते हुए, यामा शॉट दिया यामा ने और गोल किया वहां पर टिमोन ने, स्कोर आता हुआ गोल नंबर 12 12 गोल। उनका नाम है टिमोन, योगेंद्र जबकि नंबर 2 में 5 खिलाड़ी उनके अटैकिंग फॉर्मेशन बढ़कर एक सितारे खेलते हैं। डिफेंड लाइन देखे सेंटर लाइन में खड़ी है क्योंकि अटैकिंग फॉर्मेशन है, बिल्कुल भी डिफेंसिव अप्रोच अपनाए नहीं अपने मुकाबले के शुरुआती क्षणों से ही। संजय जूनियर राइट फ्लैंक में गेंद खिलाते हुए, यामा एक तरफ से और दूसरी तरफ अमृत है, 4-5 खिलाड़ी एक ही जगह खेल रहे हैं, एक ही जगह खड़े हैं, देख सकते हैं कि मैन गार्ड बहुत जरूरी है, मैन गार्ड करते हुए खेलना है। संजय जूनियर नंबर 43 में थ्रू बॉल खिलाया वहां पर लेफ्ट आउट में, लेकिन ऑफ साइड होते हुए मिस करते हुए मौके को और अच्छी गेमिंग।
बढ़िया कीपिंग यहाँ पर, बढ़िया कीपिंग गोलकीपर के द्वारा, गोलकीपर एस के सिंह के द्वारा। शून्य के मुकाबले 12 गोलों से टीम पिछड़ गई है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक तो कुछ चीज़ें होते हैं जो खेल जब किसी टूर्नामेंट में भाग लेते हैं वो खिताब जीतने के लिए खेलते हैं, कुछ टीम वैसे होते हैं जो कि एक मंच मिला रहता है उनको और अपने हुनर को दिखाने का और खेलने का एक मौका उनको मिलता है, वो खेलते हैं। और कोस्ट गार्ड की टीम भी वैसी एक टीम है। आप सोचिए ये हमारे समंदर और आसमानों के रखवाले हैं। शून्य से आगे संजय जूनियर पीली और काली रंग की पोशाक में, टीम 11 ब्रदर्स सिमोन। अच्छा हेडर और यहाँ पर स्कोर होते होते बच गए। कानिकुमार में 22% खेलने जब टीम पहुंची हमारी, कभी 8 गोल कभी 9 गोल लेते हुए मैंने देखा है। क्या बल रही अच्छी टीम जरूरत है स्पाइक पहन के खेलने की, फॉल शू पहन कर खेलने की, जो मैंने देखा है कि लेकिन यूनाइटेड और राजीव नगर खेले थे पहले मैच में। बगैर फॉल शू के एक अच्छे बॉलर आप नहीं बन सकते। लहजा कोस्ट गार्ड काफी देर के बाद यहाँ पर मौका सुनता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन फिर से गेंद विक्रम के पास निकल गए। माइनस में गेंद गिराया लेफ्ट के डिफेंड के लिए। पावरफुल डिफेंड लाइन है। सीधा गेंद अभय के लिए, अभय ने थ्रो खिलाया लेफ्ट लाइन में सिमोन के लिए जैसे नंबर 6 में। सिमोन ने राइट आउट में गेंद गिराया और बहुत बढ़िया कीपिंग, बढ़िया कीपिंग गोलकीपर के द्वारा एस के सिंह के द्वारा। बहुत ही अच्छा बचाव यहां पर आता हुआ। गेंद के ऊपर आते हुए सिमोन जैसे नंबर 6 में सिमोन ने गेंद खिलाया अभय को, लेकिन अभय ने गेंद मिस किया। अब यहां पर माइनस में गेंद संजय जूनियर। अभी आपका मुकाबला गोविंद नगर जूनियर से भी होगा, एफएमसी 11 से भी होगा। आज इस मैच में आप काफी ज्यादा पिछड़ गए हैं। अब है गोल नंबर 13, 13 गोल, 13 गोल्स यहाँ पर एक रिकॉर्ड अपने आप में इस मैदान का नजर आता हुआ। यहाँ पर 11 ब्रदर्स की टीम ने बाजी मारी है और कोस्ट गार्ड टीम के लिए भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। एक ऐसी टीम जिनके आने के बाद टूर्नामेंट में जान आई है, कि वरना यहाँ में होता क्या 6 टीम 7 टीम से टूर्नामेंट चलता, लेकिन इस बार टीमें ज़्यादा आई है। ये प्रोफेशनल फुटबॉलर्स नहीं है, पहली बात आपको बताना चाहेंगे। कोस्ट गार्ड की जो टीम है ये प्रोफेशनल फुटबॉल टीम नहीं है, ये बस एक मंच उनको मिला अपने हुनर को दिखाने का, एक मौका उनको मिला और अपने हुनर को यहाँ पर दिखाए उन्होंने, भले ही मैच हारे हैं आज का, कोई बात नहीं। एक मरतबा जोरदार तालियां फिर से मरतबा बजनी चाहिए कोस्ट गार्ड के लिए। ये हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड समंदर के राजा हैं, आसमान के राजा हैं। और किसने बहुत बड़ी स्ट्रेटजी बता देना क्या बताएगा उनको।